अच्छा फिर दोस्तों, अभी हम तैयारी करते हैं, यहाँ से चलते हैं नारंगा गांव की तरफ। अगला स्टेज हमारा नारंगा गांव में होगा, तो इसके लिए अभी मैं वॉशरूम जाने लगा हूँ। वॉशरूम से जाके फिर तैयारी भी करते हैं। हम दोस्त निकल चुके हैं, मैं अकेला ही पीछे रह गया। अभी मुझे वो आवाज़ें दे रहे हैं बाहर से कि ज़रा जल्दी जल्दी करें, तो अभी मैं जल्दी 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 तैयार हो जाऊँ। चीजें अपनी देख लो, आगे कुछ चीज यहाँ पे हमारी रह गई। जल्दी में कुछ समझ नहीं रहा कौन कौन सा काम किस तरह करना। अभी मेरे पहले हम लगते हैं मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा मुबारक भाई, जल्दी जल्दी करें, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। आगे आगे बस। ये एक खूबसूरत वैली है बालाकोट की, जिसको मैं आपको फुल व्यू दिखाऊंगा। अभी मैं काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ। यहाँ से बालाकोट तकरीबन तमाम शहर दिखाई देता है। ये साथ आपको अभी जो नज़र आ रहा है, ये दरियाए कन्हार है। अभी इसके पानी का जो काफ़ी शोर आपको सुनाई देगा बीच में। ये खूबसूरत दरिया है और ये इस वादी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और इसकी रौनक सारा दिन वैली के साथ चलती है और ज़िंदगी को रवान दवा रखता है। जिस तरह ये इसका पानी रवान दवा है, उसी तरह बालाकोट की रौनकें भी रवान दवा रहती हैं। नारान के रास्ते में रुके हुए हैं, यह बालाकोट से थोड़ी आगे आए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत ही प्यारा पहाड़ों का मंज़र है और साथ नीचे दरिया चल रहा है। दरिया के साथ साथ लोगों ने फसलें लगाई हुई हैं। ये फसलें इस वक्त जो फसल काश की हुई है इस एरिया में, वो है चावल की फसल है, मक्की की फसल है और उसके अलावा छोटी मोटी सब्जियाँ जो काश की हैं इस इलाके में। ये देखें नीचे बहुत ही प्यारा व्यू है और इंतहाई खूबसूरत लग रहा है कि अगर आपको कभी इतफाक़ हो इस एरिया में आने का, तो इस इलाके को यहाँ पे बैठ के ज़रूर इस जगह पे रुक के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही प्यारा एरिया है। यहाँ से दिल चाहता है कि बंदा आगे ना जाए, बस यहाँ रुक के इसको सारा दिन देखता रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हम रुके हैं गली ज़िला मानसहरा। इस जगह पे एक बहुत प्यारा व्यू है नेचर का, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि यहाँ से कितनी प्यारी लोकेशन नज़र आती है। यहाँ रुक के आप ज़रूर देखें ताकि आप इस एरिया को एंजॉय कर सकें। यहाँ से अभी आप देखें कि दरिया और रोड का कितना प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र है।
ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अभी मैं। देखें ये कितना प्यारा व्यू है, क्योंकि मेरे मोबाइल के कैमरे का इतना ज़्यादा जूम नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको खूबसूरत करके इस नज़ारे को दिखाऊँ। जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये रास्ता भी रास्ते में बहुत प्यारी लोकेशन आती है नारायण भगवान के रास्ते में। तो आप देखेंगे कि इस एरिया में भी अगर आप रुक के देखते हैं तो शायद देखें स्पेशली ये देखें, ये रोड का बहुत प्यारा व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है, और रोड के साथ साथ ये दरिया है जिसके ऊपर जो भी आबादी है, आबादी देखने को ऊपर तक बहुत काफ़ी ऊंचाई तक आबादी है, इसके साथ साथ आ रही है नीचे को आ रही है, ये फसलें वगैरह लगी हुई हैं। और ये रोड का जो स्पेशली रोड का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है इस जगह पे। आप देखेंगे कि रोड जो है वो देखने में इतना पुरकशिश है कि आपका दिल जी जाएगा कि आप रुक के स्पेशली इस जगह को देखें। आती जाती गाड़ियाँ और लोग जो नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही प्यारे नज़र आते हैं। ये अभी हम नारायण के रास्ते में कागान से थोड़ी पहले खड़े हैं, थोड़ा सा फासला कागान से पहले। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आबशार का पानी नीचे आ रहा है यहाँ पे, यहाँ के मकामी लोगों ने एक बहुत प्यारा छोटा सा पिकनिक प्लेस बनाया हुआ है, और यहाँ पे वो खाना वगैरह सर्व करते हैं होटलिंग की शक्ल में। तो हो सकता है पानी की आवाज़ की वजह से आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे, मगर जो सीनरी है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकें, और रुक के यहाँ पे वीडियोज़ और पिक्चर ज़रूर बनाएं। ये अभी देखें आपके आबशार के पानी का एक बहुत ही प्यारा मंज़र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अक्सर काफ़ी ऊंचाई से आ रही है, और देखें लोग इसके ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। यही अक्सर है जो नीचे जाके तो एक पिकनिक प्लेस को के रूप में तब्दील की हुई है। ये अभी देख रहे हैं आपके ये जो अक्सर का पानी नीचे जा रहा है, और नीचे जाके इसको पिकनिक प्लेस का रूप दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है, कोशिश करें जब भी आप आएँ तो यहाँ पर रुकें तो और इसको इंजॉय करें। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे भी जहाँ भी कोई खूबसूरत जगह नज़र आई वहाँ पे रुक के आपको इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी मैं दरिया किनार के किनारे पे बैठा हूँ, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इस जगह का नाम है मालकंडी, और ये जगह भी बहुत ही प्यारी है, इसके दरिया के बिल्कुल किनारे पे है। और यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि आवाज़
पानी की इतनी तेज़ है कि मेरी आवाज़ शायद आपको ठीक तरीके से ना सुनाई दे। इस जगह पे दो पुल बने हुए हैं, ये दोनों ही जो है वो लोहे के बने हैं। एक पुल जो है वो गाड़ियाँ वगैरह गुजरने के लिए है, दूसरे पुल के ऊपर से टूरिस्ट वगैरह लोग वगैरह गुजरते हैं, और वो भी वो लोहे की रस्सी के साथ बना हुआ है, लोहे की तारें उसके ऊपर लगाई हुई हैं और लोग उसके ऊपर से गुजरते हैं, ऊपर फट्टे लगे हुए हैं। दूसरा जो पुल है वो लोहे की प्लेटों और उसके राडों से बना हुआ है, इसके ये ज़्यादा मजबूत है और इसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ठीक है, ये आपके सामने वीडियो में आप देख रहे होंगे। और दरिया के किनारे के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो पानी की वजह से काफ़ी मुलायम हो चुके हैं। अभी मैं आपको पत्थर दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े हैं, ये देखें, ये पत्थर हैं, ये काफ़ी मुलायम हो चुके हैं ये पानी के बहाव की वजह से। तो यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं दरिया के किनारे पे, और दरिया की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। और दरिया का पानी काफ़ी तेज़ और सर्द है, अगर कभी इस एरिया में आएँ तो कोशिश ना करें कि आप दरिया में घुसें, क्योंकि दरिया का पानी बहुत तेज़ है और ठंडा है, इसके बहा ले जाने का कोई पता नहीं चलता। अगर आप बहुत अच्छे तैराक हैं तब भी कोशिश ना करें कि इस पानी में घुसें, क्योंकि हादसात यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं, अगर ऐसा कोई हादसा दरपेश आ जाए तो आपका सारा का सारा टूर का मज़ा ख़राब हो जाएगा। चलिए आप आगे चलते हैं, यहाँ तक के लिए यही काफ़ी है, आगे चलेंगे फिर आगे मज़ीद जहाँ से कोई अच्छी जगह या कोई पिकनिक स्टार्ट आएगा आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। वेलकम टू नारान। अभी हम नारान पहुंच गए हैं तमाम दोस्त, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ नारान का यहाँ से व्यू कैसा नज़र आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, काइंडली ज़रा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अभी नारान का व्यू आपके सामने है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। नारान पहले की निस्बत काफ़ी रशी एरिया हो गया है, यहाँ पर टूरिज़म काफ़ी तादाद में आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अब काफ़ी होटल वगैरह और इमारतें बन चुकी हैं। यहाँ पे आके आपको होटल वगैरह किराए पे लेने में या खाने पीने के किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी किस्म की चीज़ भी आपको चाहिए हो, तो यहाँ पे आके कोई परेशानी नहीं होती। ये आम मैदानी इलाके की तरह अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा आबादी है। तो ये था नारान का एक छोटा सा व्यू जो मैंने आपके सामने पेश किया है।